ग्वालियर में वन विभाग को वन्य प्राणी सप्ताह के बीच खुशी की खबर मिली है। ये कैंसर पहाड़ी स्थित न्यू विजयनगर में एक व्यस्त तेंदुए की चहलकदमी एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ इस इलाके में लगातार मूवमेंट कर रहा है। उसने क्षेत्र के कुछ आवारा कुत्तों को भी अपना शिकार बनाया है। सीसीटीवी कैमरे में ब्लैक पैंथर होने की बात भी सामने आई है, लेकिन वन विभाग अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। वन विभाग के मुताबिक स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के पद चिन्ह लिए। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि तेंदुआ ब्लैक है, क्योंकि तेंदुए की सीसीटीवी फुटेज नाइट विजन कैमरे में कैद हुई है, इसलिए रंग को लेकर अभी संशय बरकरार है। हालांकि वन विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि उस इलाके में अनावश्यक रूप से ना जाएं। आपको बता दें कि कैंसर पहाड़ी इलाके में घना जंगल है और पहली दफा तेंदुए का मूवमेंट ग्वालियर के शहरी क्षेत्र में हुआ है। वन विभाग इसे बेहद अच्छी खबर बता रहा है और जनता से पैनिक ना करने की भी बात कह रहा है। सर, क्या मामला है? पूरा जो चीता आया है और उसमें क्या प्रोसेसिंग रही इसके? पहले तो हम आपको स्पेसिफाई करना चाहेंगे कि एक सब चीता या शेर नहीं है, लेपर्ड का जो है प्रेजेंस दिखा है कैमरे में जो है न्यू विजयनगर जो है कैंसर पहाड़ी के नीचे रात के 1:30 बजे के राउंड जो है एक लेपर्ड का जो है कैमरे में कैद हुआ है। तो इसको सुबह जाके हमने पुष्टि करी थी, तो पग मार्क्स मिले हैं, उसका ट्रैक भी देखा गया है, कहाँ से आया था, किस तरफ गया है। तो फिर उसको आगे जो है हम परस्यू कर रहे हैं, वहाँ कैमरेज भी लगाएंगे, लोगों को भी लगा दिया है वॉचर्स को, तो देखते रहेंगे उस एरिया में वापस आता है कि नहीं। लोगों के लिए इसलिए जो है समझाइश है कि जंगल की तरफ कम जाएं अभी और अपने बचाव करें। सर, इसमें कुछ मतलब वो कहना है कि कुछ की नुकसान पहुँचा है? अभी तक तो ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं आई है। जब हमने वहाँ पे लोगों से बात करी थी तो बोला है कि हो सकता है कि एक दो कुत्ते गायब हुए हैं, जो वो भी आज की घटना नहीं है, वो पहले हुए हैं। तो इसको जो है लिंक करना जो है सही होगा कि नहीं, वो हम नहीं कह सकते। क्या प्रोसेसिंग चल रही है सर इसके? प्रोसेस यही चल रहा है कि वहाँ पे जो है मतलब हमने लुकआउट बढ़ा दिया है, वहाँ पे हमारे लोग 24 घंटे तैनात रहेंगे, कैमरेज जो है ट्रैप कैमरा ट्रैप जो है हम 4 लगा रहे हैं, जिसमें जो है हम आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि एनिमल को कौन सा एनिमल।